दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ कौशल भैया कौशल भैया तो आप कृषि मंडी की दुकान है हमारी व्यवस्था जगह जगह हमने नाकाबंदी पॉइंट्स रखे हैं। जो भी व्हीकल्स बाहर जा रहे हैं हम उनकी परमिशंस चेक कर रहे हैं कि क्या उस व्हीकल के पास में परमिशन है, और यदि परमिशन है तो क्या वही व्हीकल ओनर उस व्हीकल को चला रहा है या किसी और काम के लिए निकला है, क्या वो व्हीकल उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हम चेक कर रहे हैं। सर लगातार बेफालतू के लोग अपने ना ऐसे कुछ छोटी बातों के लिए भी निकल रहे हैं, उन पर किस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी बिना किसी आवश्यक काम के जो घर से बाहर निकल रहे हैं, जो वाहन निकल रहे हैं, उनको हम व्हीकल पे चालान कर रहे हैं, उनको हम सीज की कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर लगातार एमवी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। सर परमिशन कैंसिल कराई जाएगी अगर ये अवैध तरीके से परमिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमिशन डेफिनेटली, जो भी परमिशंस गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं उन व्हीकल्स की, उन परमिशंस की हम फोटो खींच के एसपी साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को भेजेंगे जिससे कि उनकी परमिशंस कैंसिल करवाई जाए। सर आज चूंकि बैंकों में पेंशन कईयों की आई है तो बैंकों में आज लंबी लंबी क्यूज देखने जा रही है सुबह से, तो बैंकों को हिदायत दी गई है जो नॉर्म्स हैं गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जाए? कई बैंकों में अभी भी लंबी लंबी लाइनें। हम हर बैंक में होके आए, हमने बैंकों को भी बताया है कि जो जिम्मेदारी हमारी है वही जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी धारा 144 के अंतर्गत आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को बताएं कि डिस्टेंस में खड़े रहें। पुलिस हर बैंक के बाहर जा रही है, परंतु इतनी भीड़ को अकेले पुलिस के बल पर कंट्रोल करने के साथ साथ जो बैंक कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग ज़रूरी है। तो हमने बैंकों से भी ये अनुरोध किया है कि आप गार्ड रखवाएं, साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग करवाएं जिससे कि व्यवस्था बनाई जा सके। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।